हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा अरिहंत जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें हम 7 प्रैक्टिस सेट आप लोग को ऑलरेडी करवा दिए हैं। ये मेरा प्रैक्टिस सेट 8 है फ्रेंड्स। अगर आप लोग मेरा वीडियो रोज देखते होंगे तो आप लोग को ये भी पता होगा कि हम एक प्रैक्टिस सेट में अरिहंत का 2 प्रैक्टिस सेट का टोटल जीके कवर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी व्यस्त नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी व व्यस्त नहर कौन सी है फ्रेंड्स? तो ये आपकी स्वेज नहर है। स्वेज नहर जो है फ्रेंड्स विश्व की सबसे बड़ी और व्यस्त नहर है। बात करें फ्रेंड्स इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई फ्रेंड्स 160 किलोमीटर है। इसकी कितनी लंबाई? 160 किलोमीटर लंबी ये नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 19वें संघाई सहयोग संगठन की सदस्यों के राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहाँ हुई, संपन्न हुई? तो 19वें संघाई सहयोग संगठन की सदस्यों सदस्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहाँ संपन्न हुई फ्रेंड्स? तो ये आपकी बिश्केक में संपन्न हुई। कहाँ हुई? बिश्केक में। बात करें फ्रेंड्स बिश्केक कहाँ पड़ते हैं? बिश्केक आपका किर्गिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है, तो कौन सा वन है फ्रेंड जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं? तो उसने कटिबंधीय आद्र पर्णवती वन, जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बात करें उच्च न्यायालय से जो नीचा होता है हाई जो कोर्ट वगैरह होता है निम्न न्यायालय, उसका नियुक्ति कौन करता है? तो उसका नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? राज्यपाल करता है, और हाई कोर्ट का राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है, कौन सा कारण होता है, ये चारों में से कौन सा कारण होता है? आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। तो हीमोफीलिया को एक नाम से और जाना जाता है। हीमोफीलिया के कौन सा नाम से जाना जाता है? ब्लीडर्स, BLEDRS, ब्लीडर्स। हीमोफीलिया को एक नाम से और जाना जाता है फ्रेंड्स, कौन सा नाम से? ब्लीडर्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें रक्त का बहना बंद नहीं होता है। अगर आपका कहीं शरीर में कट छट जाता है तो उससे लगातार रक्त निकलते रहता है। ऐसे जो साधारण व्यक्ति होता है, नॉर्मल पीपल लोग होते हैं फ्रेंड्स, उसका क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का कहीं पे हाथ पैर या कटता है तो कुछ देर तक रक्त निकलता है, उसके बाद क्या होता है, फिर बंद हो जाता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया रोग से ग्रसित रहेगा, उसका कहीं पे कट जाएगा तो उसका लगातार कंटिन्यू रक्त निकलते रहेगा जब तक कि उसको रोका ना जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग को पता होगा, जैसे आप लोग को मोबाइल में मिलता है 1 GB यूज करने के लिए, रोज कितना मिलता है? 1 GB मिलता है। तो 1 GB में कितना MB होता है? तो 1 GB में आपका कितना होता है फ्रेंड? 1024 MB होता है। इसी तरह से इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका 1024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किसका वर्णन आनंद मठ में मिलता है? तो निम्न में से किसका वर्णन आनंद मठ में मिलता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रगीत का। अब बात कर ले कि हमारा राष्ट्रगीत कौन है, तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, और उसमें किसका वर्णन मिलता है फ्रेंड्स? उसमें आनंद मठ का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सबसे हल्का तत्व है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? यह आपका हाइड्रोजन जो है वह सबसे हल्का तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 0 व 1 के संयोजन में 0 व 1 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है? तो किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है फ्रेंड्स? ये आपके मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? 0 व 1। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, वायरिंग कोड रहता है, यानी जो कंप्यूटर जो आपका भाषा समझता है, जैसे आप कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर पे, कुछ भी इनपुट करते हैं, तो उसका जो कोड होता है फ्रेंड्स वो 0 और 1 में ही बनकर जाता है। तो इसका जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स कंप्यूटर का, वह 0 और 1 है, इसलिए इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। और ये सी लैंग्वेज हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, ये सब क्या है सब फ्रेंड्स? ये सभी इसका सॉफ्टवेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है फ्रेंड्स? ये आपका प्रशांत महासागर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? तो मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे फ्रेंड्स, ये आपके थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम पीडीएफ वगैरह छोड़ते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।